थोड़ा सा मैं कुछ देख लूँ अपने ऑफिस से किट फेस मास्क एंड ये ग्लव्स का पूरा एक बॉक्स है. अच्छा ये वेपराइजर है, ये डिसइंफेक्टेंट का किट है, ये ऑक्सीमीटर है, ये फेस शील्ड के मास्क है और एक डॉक्टर वाले एक थर्मामीटर है और एक सैनिटाइजर. वेलकम टू अनदर ब्लॉग. आप आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बस इसको अनबॉक्स करता हूँ, मैं फैमिली को दिखाता हूँ. ये ऑफिस से किट आई है अभी, बाकी का बाद में दिखा देंगे. दोपहर के 1 बज चुके हैं और मेरा अब लंच बनाने का टाइम आ चुका है और लक्ष्यू अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं दोपहर के 1 बजे. ही इज़ हैविंग ओट्स चीला बिकॉज ओट्स का जो इनका पहले ब्रेकफास्ट था उसमें इनको इश्यूज आ रहे थे गले में. ही वॉज़ हैविंग ओट्स विद प्रोटीन एंड ऑल विद पीनट बटर. वो एक साल से वही चल रहा था, तो हो सकता है कि काफ़ी टाइम तक आप एक ही चीज़ लेते रहते हो तो वो इश्यूज़ आने लग जाते हैं. सो ही इज़ इन्जॉइंग हिज चीला एंड टुडे आई एम मेकिंग स्पेशल लंच और देखते हैं आगे. आपको इसके साथ कुछ चाहिए और यू वांट टू हैव चटनी चाहिए थी लेकिन चटनी है नहीं. हाँ यार आज ये चटनी का मजा आता है. आज मैं सोच रही थी कि वो भैया आ जाए बट वो सब्जी वाला भैया नहीं आया. आई थॉट आई विल मेक चटनी बट हो नहीं पाया. बट चीला अच्छा है. इसके साथ में काम करती हूँ, आपको मैं वो दे देती हूँ लेमन टी. हाँ लेमन टी दे, लेमन टी दे देती हूँ ताकि आपको फिर दिक्कत ना हो. डाइजेस्ट भी हो जाएगा और अच्छे. आज हम लोगों ने कुछ चीज़ें प्लान करी हुई हैं फॉर द डे. विल प्ले सम गेम्स एंड सी अ मूवी. सो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है. स्टे ट्यून्ड. सो हम लोगों ने सोचा था आज अच्छे से गेम्स वेम्स खेलेंगे और मूवी भी देखेंगे. सारी तैयारी भी थी. सोचा था पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न बना के आराम से पूरी दोपहर में मूवी देखेंगे बट वैसा कुछ हो नहीं पाया. आफ्टर लंच मेरा और लक्ष्य के पास काफ़ी सारा ऑफिस का काम आ गया. लक्ष्य अभी भी लगे हुए हैं. आई होप ही विल फिनिश. आई जस्ट फिनिश. अभी 6:30-7 बजने वाले हैं ऑलरेडी और मेरा काम अभी ख़त्म हुआ है एंड ही स्टिल वर्किंग. आपका काम कब तक ख़त्म होएगा? बस होने वाला है. बताइए क्या काम है. थोड़ा सा मार्केट जाके सामान लेके आना है घर का और दो चार चीज़ें लिस्ट में आने लिखी हुई हैं. बस सो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा बहुत सामान लेके आते हैं. सो मिलते हैं. आज मैं पूरे 1 महीने बाद घर से निकलने वाली हूँ तो इस बात की बहुत खुशी. अभी ज़्यादा काम है नहीं. अच्छा ठीक है, बाद में आके मैं निपटा लूँ उसको, फ्लिप कर लें. मेरे को 1 महीने से मैं कहीं नहीं निकली. मेरे को भी इतना ही टाइम हो चुका है. पहले डबल मास्किंग कर लूँ. यार मेरे से ज्यादा तो आप एक्साइटेड लग रहे हो. मैं तो बस वीडियो ही बनाते रहेंगे. मेरा फर्स्ट का है. ऐसा लग रहा है जैसे ऑलरेडी स्क्रिप्टेड था. नहीं नहीं स्क्रिप्टेड नहीं, इट्स जस्ट के ऑफिस का काम अपना छोड़ के फटाफट अभी निकलते हैं बिकॉज़ आके फिर मैं काम निपटा लूंगा. तो अभी हम लोग फटाफट से निकलते हैं. इसके बाद मिलते हैं अगले बार. ना बीबी बंद पड़ा हुआ है. ये नाम कैसा है ना, चायुम. इट्स चायम, इट्स नॉट चायुम. मैं पागलों की तरह चायुम बोल रही हूँ. सब कुछ बंद पड़ा है. बस एक ग्रॉसरी का दूध लेने, सेल लेने और थोड़ा सा मैं कुछ देख लूँ अपने लिए. ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अपने लिए कुछ ना देखो. क्या ले रहे हो आप? पेंसिल देख रहा था एक 0.7 mm की अपने लिए. ये वाली ज़्यादा बेटर लगी. ये तो लास्ट में दिख गई मुझे. नहीं तो ये वाली दूसरी वाली उठा रहा था. चलो बस हो गया इतना ही. मेरे को और कुछ चाहिए नहीं. वो लेना है बाकी दूध वो ले लेते हैं.
ये स्टेशनरी का आइटम देख के ना मेरा ऐसा मन हो जाता है सब कुछ ले लूं। छोटे बच्चे भी होते आज भी ये हाल है। वैसे तो अब काफी सारा सामान आपने कर लिया है इकट्ठा अपना ड्राइंग का। हाँ दोबारा से यहाँ पे फार्मेसी भी खोल दी पीछे गई। हाँ पीछे वाली। अच्छा जस्ट नॉट दिस, तुमने कभी नोटिस करा है कि कैसा फील होता है जब छोटे बच्चे होते हैं तो जैसे पहले पेंसिल के लिए लड़ते हैं ठीक है, रबर चुराते थे एक दूसरे के, दुनिया लगती थी वैसे जैसे पेंसिल ना होगी क्या होगी, फिर क्लिक पेंसिल आई, फिर वो लेड वाली दूसरी आई है, और फिर उसके बाद जब लेड वाली पेंसिल आई थी हाँ हो गई थी, जब लेड वाली पेंसिल जिसके पास होती थी ना सारे पागल हो जाते थे। अच्छा दूसरी चीज़ अभी कभी नोटिस करियो कि जब वो होता था ना पेन पे आए थे जब शिफ्ट हुए थे तो पेन पे भी यही हाल हुआ था, फिर इंक वाला पेन आता था पे जब शिफ्ट हुए थे तब तो ऐसा लगता था भाई अब हम बड़े हो गए। हाँ और फिर बॉल पेन यूज़ करना शुरू कर, पहले जेल पेन टीचर्स बोलते थे जेल पेन यूज़ करो, फिर उसके बाद इंक पेन शुरू हुआ, फिर इंक पेन के बाद बॉल पेन पे आए थे, बड़ी मुश्किल से तब बहुत डांट पड़ती थी जब वो क्या रबर वगैरह को चुरा लेता था। अरे भाई हर रोज हम लोग छुपा छुपा के अपने रबर जाते थे और कोई ना कोई जरूर उसको चुरा लेता था। चुराता था मैं तो बैग के बुक्स के नीचे छुपा के जाता था। नहीं यार मेरे तो रोज ही चोरी होते थे। चल अब इधर तो चले दूध लेके। अरे मेरे को कुछ देखना है, अपना ले लिया सामान बस तू चल। अच्छा तो वही देखी थी प्रेस्टीज का कितने का है, पता नहीं देख ले यहाँ पे तो कोई अमाउंट ही नहीं लिखा हुआ, सब पे बस 10% डिस्काउंट लिखा हुआ। वो बॉक्स पे देखो, बॉक्स पे कितना प्राइस हो उस पे 10% लगा के देख लो। ये प्रेस्टीज का ही आएगा है ना? नहीं ये टेफल सब में लिखा हुआ और यहाँ प्रेस्टीज रखा हुआ है। तीन इक्कीस 36 मंथ्स में एक्सपायर हुआ ठीक है। हमारी फास्ट फास्ट वाली शॉपिंग हो गई है खत्म। तो शॉपिंग करने में भी ऐसा लगता है जैसे हम लोग किसी मिशन पे निकले और मिशन कंप्लीट हुआ जल्दी से अपने अपने घर वालों सैनिटाइज कर लेते हैं फिर निकलते हैं। सो फाइनली आ गए हम लोग मार्केट से, जस्ट अभी घुसे और मेरी पेंसिल भी आ गई और इसका सामान भी आ गया। ये अपना टोनर लेके आई है एक फेस का और मैं पेंसिल लेके आया हूँ, हाथ पैर अभी धो के मस्त फ्रेश होके फिर मिलते हैं। सो भाइयों और बहनों जो भी ये व्लॉग देख रहा है कृपया ये जान ले आज का दिन फिर दोबारा हमारा बिजी रहा, पूरा दिन ऑफिस का मैं अपना बैठा बैठा काम करता रहूँ, अब जाके रात के 11:30 बजे ऊपर छत पे घूमने के बाद अब मैं फ्री हुआ हूँ। हालत देखो आँखों में गड्ढे भर गए भाई, लेकिन मैं मूवी का मैंने सोचा था प्लान करूँगा शुभी के साथ बट वो नहीं कर पाया, तो अब बेस्ट ऑप्शन यही है मेरे पास कि कुछ गेम खेल ली जाए और थोड़ी सी मस्ती कर ली जाए। रात के 11:30 हो रहे हैं वैसे, जस्ट टू शो यू क्लियरली रात के 11:30 हो रहे हैं और मेरा मस्ती का मूड चढ़ा है। अब दिमाग में गेम आया एंड द गेम इज़ ये बाउल और ये अंडे से, शुभी को अब इंडल्ज करते हैं इसके अंदर। शुभी आ जा इधर गेम खेल ले थोड़ा सा। गेम इस टाइम पे? हाँ मन कर रहा है ना। आजा कौन सा गेम सिखाता हूँ ना आजा। मस्त गेम है, बाउल से खिलाऊंगा पूरा था ऐसे ठीक है, एक मेरा एक तेरा और रैंडमली कोई भी हम में से इसको उठा सकता है तो ये तो फट जाएगा ना। हाँ तो वही तो करना है ना कि किसके हाथ से फटेगा तो गंद मच जाएगा। मचेगा तो सही, थोड़ा बहुत तो गंद मचेगा ही। चलो What do you expect? मतलब मस्त चीज तो ले लेके आया हूँ मैं। वही तो। यूँ तो कंफ्यूजन ही तू गायब कर देगी। चल। ओह।
तू चीटिंग कर रही है, तू ये क्या छू रही है? मैं तेरे को बोल रहा हूँ ऐसे कर, हर गेम में चीटिंग करती है तू मेरे साथ, हर गेम में चीटिंग कर रही है इस लड़की ने मेरे साथ। आप ना चीटिंग मत करो। ओह मैंने टच किया तेरे को पता है। अब थोड़ा जोर से मारे, इसमें बहुत हल्का मार रहे हैं हम लोग। ओके तभी मजा आएगा, तभी तो फटेगा। चल 500 रुपए ले लियो मेरे से, पक्का दो। हाँ, तेरे भी 500 हैं अगर मैं जीता तो, ये नहीं कि मेरे ही मेरे 500 रुपए की शर्त है तो फिर मैं, ये क्या होता है ऐसे थोड़ी होता है। अगर मैं आ रही तो 200 रुपए, आप अगर जीते तो 500 रुपए। ये कौन सा तरीका है? चलो अच्छा ठीक है, 500 दोगे ना? तू 500 का अपना बता, मेरा तो कंफर्म करवा रही, अपना बता। ठीक है ठीक है। क्या 500? 500 डन। 500 रुपए? हां 500 रुपए। अब पैसा कहां से लाऊंगी 500 रुपए? निकाली 500 बोल रही है तो 500 घूसे भी होते हैं, लाते भी होती है। 500 रुपए डन है। शॉट लगाओ पहले, शॉट लगाओ। नहीं नहीं नहीं, तेरे वर्ड्स में ना मेरे को कुछ झोल लग रहा है। 500 रुपए की शर्त है, जो हारेगा वो 500 रुपए देगा। शर्त लगाओ। चल डन। अरे ढंग से शर्त लगाओ। चल लास्ट है, मेरे हाथ पे मारे जा रही। एक 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 बात बता, कितना तबला बजा रही है, यूं करे जा रही, ढंग से कर। ये देखो 500 रुपए, ये 500 रुपए दिख रहे हैं। वो कहाँ मेरे हाथ को दिखा रही है, उसको स्क्रीन को पीछे कर तू पहले। ये 500 रुपए दिख रहे हैं मुझे। शिट, मैं ही गेम लेके आया, मैं ही हार गया यार। साफ तो मैं कर दूंगी, बट अभी तो मुझे इंतज़ार है शर्त जीतने का, जो इनाम मिलेगा। देखते हैं देते हैं नहीं। टिंग 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 टिंग, गेम ले गए थे और खुद ही हार गए। आ जाओ आ जाओ, 500 रुपये लाओ। गिव मी 500 bucks। साफ तो करेगी लेकिन? बिल्कुल करूँगी। ये देखिए दोस्तों, ये लोग खुद गेम लेके आते हैं और हारते हैं, और फिर ये लॉकडाउन में कमाई। चलो कल कोई बेटा, कल फिर कोई गेम लेके आऊंगा, देखिए कल उसमें फिर मैं जीतूंगा। देखिए रहने दो, आपकी गेम देख ली, गेम फ्लॉपर, आप गेम फ्लॉपर। एनीवेज ठीक रहा, चलो मज़ा तो आया खूब। हाँ अब बाकी बात रही कल के लिए, बहुत टाइम हो चुका है, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सो तू इसको साफ कर, एंडिंग तू ही कर आज। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड लाइक करने का मत भूलना। सीट मेरी बे।